हेलो एवरीवन, आज की मेरी रेसिपी है दही वाले पकोड़े कड़ी के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बाउल में एक कटोरी के बराबर बेसन डालती हूँ। मेरा बेसन चला हुआ है, उसी के साथ इसमें आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार अपने नमक ऐड करना है। थोड़ा इसे अच्छे से मिला ले। मिलाने के बाद थोड़े थोड़े पानी को डाल करके इसे मिक्स करना है। हमें पानी को नॉर्मल पानी को यहाँ पर रखी हूँ। थोड़े थोड़े पानी डाल के मिक्स करना है और हमें जब अच्छे तरह से मिक्स हो जाए तो तेज़ी हाथ से इसे चलाना है। जितना तेज़ हाथ से अगर हम इसे चलाएंगे उतना अच्छा से अगर मेरा बैटर तैयार होगा, और बैटर जब तैयार होगा अच्छा से तो मेरे पकौड़े काफ़ी फूले फूले हुए निकलेंगे। तो मैं एक चेक करके बताती हूँ कि मेरा परफेक्ट कैसे बना है ये बेसन। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी गोली जैसा बना करके पानी में डाली। जैसे मैं पानी में डाली तो ये ऊपर की ओर आ गया। जब ऊपर की ओर आ गया तो मैंने समझ ली कि मेरा परफेक्ट तैयार हुआ। अगर ये ऊपर की ओर नहीं जाता, नीचे ही बढ़ जाता तो सही नहीं है ये। तो आगे चलिए, एक पैन बैठाती हूँ, इसमें तेल डाले। तेल डालने के बाद जैसे ही मेरे पैन गर्म होते हैं, एक एक करके मैं सारे बेसन के गोल गोल करके डाल दे रही हूँ। इसे मुझे पकौड़ी के शेप में लाना है। आप चाहे तो जिस शेप में करना चाहते उस शेप में कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ बेसन यूज करिए। अगर आप चाहे तो इसमें प्याज भी कट करके मिक्स करके वो वाले पकौड़े, प्याज पकौड़े भी बना करके हम कढ़ी में डाल सकते थे। तो मैंने तो सिर्फ प्लेन वाले पकौड़े बना करके ही डाल रही हूँ। इसी के साथ मेरे ये देखिए काफ़ी फूले फूले से हो गए हैं। और इसे थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर तेल फेंकना है ताकि ऊपर से भी थोड़ा फूले फूले से दिखे, फूल जाए। इसे अच्छे से मिलाते हुए जैसे ही ये सुनहरा कलर आ जाए इसे निकाल लेना है प्लेट में। और मैं आपको एक तोड़ की भी दिखाऊंगी कि मेरा कितना स्पंजी बना है। ये देखिए आप लोग, काफ़ी स्पंजी बना है और अंदर से भी काफ़ी बहुत ही सॉफ्ट है ये। मैं दबा दबा के भी दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो इसे और ज़्यादा स्पंजी बनाए इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़े से गर्म पानी ले ली हूँ। जितने पकौड़े हैं मैं सारे पकौड़े को इसमें डाल करके छोड़ देंगे। अब मुझे आगे के प्रोसेस है कढ़ी को बनाना। अब कढ़ी को कैसे तैयार करना है, यहाँ पर 3 चम्मच के बराबर मैं बेसन ली हूँ। उसी के साथ आधा कटोरी से कम यहाँ पर मेरे दही है, थोड़े से हल्दी पाउडर, वाइट नमक जो घर में नॉर्मली नमक यूज करते हैं वह नमक है, और इसी के साथ काला नमक को भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। काला नमक से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसे बिना पानी डाले हुए ही इसे मिक्स करना है। अगर पानी डालते हैं ना तो काफ़ी ये बुलबुले टाइप से ऊपर उठ जाते हैं तो अच्छे नहीं दिखते हैं। अब मुझे अच्छे से मिलाने के बाद देखिए एक भी इसमें दाना दाना नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े पानी डाल करके अच्छे से मिक्स करूँगा, अच्छे से इसे मिक्स करूँगा। कम से कम इसमें मिक्स करते करते 1 गिलास पानी का मैं यूज करूँगी। 1 गिलास पानी का यूज करना हो गया मेरा। अब ये कुछ सामान है फ्राई करने के लिए, तो यहाँ पैन बैठा के फिर इसमें मैं तेल डालती हूँ। तेल डालने के बाद जैसे ही मेरा तेल गर्म हो जाएगा मैं जीरा आधा चम्मच, सूखी मिर्च, तेज पत्ता, ये हो गया लौंग, और थोड़ा सा हींग हींग जरूर डालिएगा आप लोग। जैसे ही मेरे हल्का ब्राउन हो जाएगा, ब्राउन हो गया, इसमें मैं जो बटर बना के रखी थी वो इसमें डाल दे रही हूँ। मुझे इसे चलाते रहना है, अभी थोड़ा फ्लेम को हाई करके रखना है। बाद में 10 मिनट के बाद में इसे एकदम लो कर देना है, और इसे हाथ को रुकना नहीं है, चलाते ही रहना है। अगर छोड़ देते हैं और बुलबुला आना शुरू हो जाता है तो कढ़ी फट जाता है और टेस्ट बिल्कुल ही अलग हो जाता है। इसलिए हाथ को रुकना नहीं है, धीरे धीरे करके हाथ को चलाते ही रहना है इस कलछुल से कढ़ाई में। तो देखिए काफ़ी अच्छा कलर भी है इसमें। इसी के साथ देखिए पानी जल जल के इसका आधा हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उसे गाढ़ा भी नहीं बनाना है, जैसे इस शेप में ही मुझे करना है। इसी के साथ मैं इसमें जितना गर्म पानी में करके पकौड़े को रखी थी अब मैं इसमें डाल देती हूँ। इसे अच्छे से मिला देते हैं। काफ़ी रसगुल्ले की तरह दम स्पॉन्जी और मुँह में जाते ही घुल जाएगा। काफ़ी देखने से भी टेस्टी और खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो इसी के साथ मैं छौकन भी लगा दे रही हूँ। छौकन मेरा सिर्फ सूखी मिर्च, तेल और सूखी मिर्च डाल करके की हूँ ये, और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ताकि कलर और देखने में अच्छा लगे और खाने में भी थोड़ा टेस्टी लगेगा। इसे हल्का तीखा तीखा देखिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ, वाकई में बहुत ही अच्छा बना है।
आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को एक बार लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए मैं सर्च करके भी दिखा दूँ आप लोगों को। थैंक यू।